हेलो हेलो अंकल, मेरी बात तो सुनो। आपकी बेटी है ना बड़ी सैड इन दिनों, उसे घूमने के लिए लेके जाऊं क्या मैं कहीं? उसे सैड ना रखो, कितनी क्यूट है ना वो, बड़ी म्यूट है ना वो, उसे लाउड करूं क्या? उसका हर एक मैटर सॉर्ट आउट करूं क्या? एक बार करने का मुझे मौका दो तो सही, उसके हर एक डाउट को मैं आउट कर। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइज, मैं फिर से आगे हो आप लोगों के लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि आपने प्रीव्यू पर देख ही लिया होगा। तो गाइज, इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। सीखने के लिए जस्ट आप लोगों के छोटा सा वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने पसंद का फोटो को यूज करके प्रीव्यू के जैसे वीडियो बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो गाइज, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइज, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो गाइस, चलिए विनती करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वीएन ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन वीएन ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका गैलरी खोल के आ जाएगा। अब इधर सब लोग ओपन में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर सब लोग एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। और गाइस, इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से पहले लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग ओपन में वीडियो को बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ये सब लोग जिसका फोटो इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो या सिंपली उसका 14 फोटोज को सिलेक्ट करना है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा फोटो का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना सारा फोटो नहीं है तो आप लोग कुछ फोटोज को बार बार भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप लोगों को यहाँ पे 14 फोटोज का जरूरत पड़ेगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से फोटोज को सिलेक्ट करके दिखा दूंगा। चलिए बिना देरी करते हुए यहाँ पे 14 फोटोज को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देन 14 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग नीचे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो पहले लिरिक्स वीडियो और फोटो ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को पहले थोड़ा सा खिसका के एकदम लास्ट पे जाना है। नीचे आप लोग एक ब्लैक कलर लेयर मिलेगा जो ऐसा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से पहले इसको डिलीट करना है। देन आप लोग को खिसका के एकदम फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब आप लोग को यहाँ से एक सॉन्ग को ऐड करना है। तो सॉन्ग वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से पहले सॉन्ग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। देन उस वीडियो का सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करने के लिए आप लोग को पहले फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऊपर में माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐसे किसी भी एक फोल्डर को सिलेक्ट करके आप लोगों को नीचे इनपुट म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहां पे नीचे वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग वीडियो के ऊपर सिलेक्ट करना है। सॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहां पे ओके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस वीडियो का जो सॉन्ग यहां पे आ जाएगा। तो अब ये सॉन्ग आ जाने के बाद आप लोगों को सॉन्ग के बगल में यूज नेम का ऑप्शन मिलेगा। इस यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस सॉन्ग के बाद आप लोगों को कुछ बिटमार्क को ऐड करना है। तो गाइस, बिटमार्क ऐड करना भी बहुत ही आसान है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आप लोगों को साइड में यहां पे एक लिस्ट दिखाई दे रहा है, तो इस लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को एक-एक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, फास्ट बिटमार्क आप लोगों को 10.17 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहां पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके फास्ट टाइमर यानी कि 10.17 सेकंड पर यहां पे चले आना है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करेगा तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है। देन फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से भी सॉन्ग को सुन के बिटमार्क को ऐड कर सकते हो। तो गाइस, और इस तरीके से इस लिस्ट को फॉलो कर कर भी बिटमार्क को ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस प्रोसेस से सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना। देन सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे बिटमार्क के साथ ऐड होके आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के बिटमार्क की तरफ आ जाना है। देन नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारे फोटो और बिटमार्क अच्छी तरीके से देखने को मिले। अब आप लोग यहाँ पे फर्स्ट फोटो लेयर के ऊपर आ जाना है। अब जो फर्स्ट फोटो लेयर है इसका ड्यूरेशन आप लोगों को सेकंड बिटमार्क जितना दूर है उतना दूर इसको करना होगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्रॉप कर लेना है। तो फर्स्ट फोटो को आप लोगों को इस तरीके से सेकंड बिटमार्क तक कर लेना है, लेकिन उसके बाद में जितना भी फोटो है उसको आप लोगों को इस तरीके से क्रॉप करना है। तो फर्स्ट फोटो के बाद यानी कि सेकंड फोटो से आप लोगों को सारे फोटो को कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है, यानी कि आप लोगों को बीच में एक बिटमार्क को छोड़ के नेक्स्ट बिटमार्क तक इस फोटो को क्रॉप करना है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां पे एक बिटमार्क है, इसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट बिटमार्क पे इस फोटो को क्रॉप किए हैं। सेम प्रोसेस इस फोटो को भी करेंगे। इस वाली बिटमार्क को छोड़ के नेक्स्ट बिटमार्क जितना दूर है उतना दूर इस फोटो को क्रॉप कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों को करते रहना है, टोटल 8 फोटो को कर लेना है कुछ इस तरीके से क्रॉप। तो गाइस, मैं आप लोगों को यहां पे 8 फोटो को इस तरीके से क्रॉप करके देखा देता हूं।
तो 8 फोटो को इस तरीके से क्रॉप करने के बाद 9th नंबर पर जो फोटो है इसका ड्यूरेशन आप लोग को एकदम फुल रखना है, यानी कि नेक्स्ट बिटमार्क तक इसको रखना है, कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप लोग। इस तरीके से आप लोग को 9th नंबर पर जो फोटो है इसको इस तरीके से पूरा नेक्स्ट बिटमार्क तक क्रॉप करना है, देन फिर से आप लोग उसी प्रोसेस से करना है, यानी कि बीच में एक बिटमार्क को छोड़ के नेक्स्ट बिटमार्क तक आप लोगों को फोटो को क्रॉप करना है। तो इस तरीके से आप लोग एक एक करके लास्ट तक कर लीजिए, तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो देन लास्ट पे जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना सॉन्ग है उतना इसको कर लेना है, देन ऐसे ध्यान करके कोई भी एक फोटो के ऊपर आ जाना है। देन आप लोग नीचे फास्ट पे फिल्टर नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ऐसे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोग अपने फोटो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो आप लोग चाहते हैं फोटो को थोड़ा बहुत एडिट करके आप लोग यहाँ पे चले जाए बिगिनिंग ऑप्शन के ऊपर। बिगिनिंग ऑप्शन के ऊपर आ जाने के बाद नीचे बिगिनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है आप लोग, ऊपर में देख सकते हो फोटो के ऊपर एक डार्क लुक आ रहा है, तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लेना। मैं इस तरीके से ऐसा ही रहने देता हूं। नीचे आप लोगों को नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फोटोज को एडिट कर लेना है। तो फोटोज को इस तरह से एडिट करने के बाद आप लोगों को चले आना है फर्स्ट फोटो लेयर के ऊपर। अब आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहां पे आप लोगों को फोटो को कट करना होगा। तो फर्स्ट फोटो को ऐसा ही रहने देना है, नेक्स्ट जो फोटो है इसका आप लोगों को इसके ऊपर आ जाना है। देन पहले जिस बिटमार्क को हम लोगों ने छोड़ दिए थे यानी कि ये वाला बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। तो इस वाले बिटमार्क के ऊपर आ जाने के बाद नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो इस फोटो को दो पार्ट में इस तरीके से कट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। मैं आप लोगों को और एक दो करके दिखा देता हूं। तो नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर चले आना है, उसके बाद जो नेक्स्ट बिटमार्क है इसके ऊपर आके नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। तो फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर आके इस तरीके से फोटो को स्प्लिट करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोग इतना दूर समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो बिटमार्क रह गया है बीच में उसमें उसके ऊपर जाके नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से फोटो को कट कर लीजिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से लास्ट तक कर लीजिए। लास्ट तक करने के बाद आप लोगों को खिसका के एकदम फास्ट फोटो के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है। तो पहले फास्ट फोटो पार्ट के ऊपर आ जाइए। अब आप लोग यहाँ पे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने के लिए नीचे आप लोगों को एफेक्ट्स नेम का ऑप्शन मिलेगा। अब इस एफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फोटो के ऊपर में खिसका के एकदम फास्ट पे ले आना है। देन आप लोगों को नीचे बहुत सारा इफेक्ट देने को मिल जाएगा। तो इधर से आप लोगों दो इफेक्ट को यूज करना है यहाँ पे। तो फास्ट जो फोटो है इसके ऊपर हम लोग एक्सपेंड इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ के आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। एक्सपेंड इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन इसको खींच के पूरा फोटो के ऊपर अप्लाई कर लेना है। देन यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर आ जाओगे। अब जो नेक्स्ट फोटो पार्ट है इसके ऊपर हम लोग जिटर आप इफेक्ट को यूज करेंगे। तो इस फोटो के ऊपर हम लोग जिटर आप इफेक्ट को यूज कर लेते हैं, देन फिर से यहां पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये वाला जो फोटो पार्ट है इसके ऊपर हम लोग फिर से एक्सपेंड को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से एक्सपेंड को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो जो थर्ड पार्ट है इसके ऊपर एक्सपेंड को सिलेक्ट करके इसको फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके फोर्थ नंबर पे जो फोटो पार्ट है इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से फोर्थ नंबर फोटो पार्ट के ऊपर आ जाने के बाद आप लोगों को फिर से जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, देन फिर से यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाना है। अब इस फोटो के ऊपर आप लोगों को फिर से एक्सपेंड को सिलेक्ट करना है, यानी कि एक फोटो पार्ट के ऊपर एक्सपेंड और नेक्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर जिटर आप। इस तरीके से आप लोगों को टोटल लगातार 16 फोटो पार्ट के ऊपर इस तरीके से कर लेना है। तो मैं आप लोगों को पहले 16 फोटो पार्ट के ऊपर इसको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से 16 फोटो के ऊपर कर लेने के बाद आप लोगों को 17 नंबर पे जो फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को फिर से जिटर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे दो फोटो के ऊपर जिटर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 17 नंबर पे जो फोटो आएगा इसके ऊपर आप लोगों को जिटर आपको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर जिटर आपको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो फोटो आएगा 18 नंबर पे, यहाँ पे 18 नंबर पे जो फोटो आएगा इसके ऊपर भी जिटर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो फोटो के ऊपर जिटर आपको सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाके फिर से आप लोगों को एक्सपेंड को सिलेक्ट करना है और फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाके जिटर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को लास्ट तक कर लेना है। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूं। इस तरीके से आप लोग सारे फोटो के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। तो गाइस सारे फोटो पार्ट के ऊपर इस तरीके से इफेक्ट को ऐड करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाइए। अब आप लोगों को नीचे बहुत सारा छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऐसे कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देन फिर से आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। नीचे आप लोगों को इसका ड्यूरेशन एकदम माइनस करके यहाँ पे नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से खींच करके फर्स्ट बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर आप लोगों को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। तो इफेक्ट वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, देन यहाँ पे ऐड करने के लिए थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन ऊपर में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की हुई इफेक्ट वीडियो के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इफेक्ट वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों के नीचे फील नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस फील ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। देन नीचे और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन पर सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो
आपका इफेक्ट वीडियो इस तरीके से ऐड होकर आ जाएगा। देन गाइस आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो आपका गैलरी पर सेव हो जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लेटर है, बाय बाय।